नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में और मैं हूं आपकी मेजबान सिमरन सिंह। आप सब दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 6 पर। हमसे जुड़ने का एक और जरिया है, आप जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल। तो 3 बजे का समय हो चुका है आपकी घड़ी पर और आधे घंटे के लिए हम लेकर आए हैं कक्षा 6 के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए ये खास सत्र। और आज हम बातचीत करेंगे साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। तो आज हमारा शीर्षक है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आप सबके लिए। और यदि इस सत्र से जुड़े हुए ऐसे कोई भी प्रश्न है, कोई सुझाव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी ऑफिशियल का कमेंट सेक्शन है हमारे सभी दर्शकों के लिए। पर आज हम इसे समझेंगे कैसे, इसी के लिए हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़े हैं। चलिए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। इस्तकबाल है आपका इस सत्र में। सर फॉर्मर वाइस चांसलर हैं महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से। और दर्शकों आप जानते हैं कि हम तक अपने सवाल आप कैसे पहुंचा सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर 8800440559। और कक्षा 6 के सभी बच्चों के लिए एक मेल आईडी भी है। यदि किसी और कक्षा के बच्चों ने भी हमारे साथ कनेक्ट किया है तो ये है मेल आईडी dth.class6@cieet.nic.in। और अपने हर सत्र की तरह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों को शामिल करें अपने इस सत्र में। तो जैसा कि सर आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इससे जुड़ा हुआ एक विचार मेरे मन में आता है, उसी से मैं शुरुआत करना चाहूँगी इस सत्र की। जब मैं बहुत बार भारत में, मैं बहुत अलग अलग जगह घूमी हुई हूँ अपने अभिभावकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो जब मैं हिमाचल प्रदेश गई तो वहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ देखे, जब मैं गोवा गई तो वहाँ पर मैंने बीच देखे और समुद्र देखा, साथ ही जब मैं राजस्थान गई तो वहाँ पर डेजर्ट्स देखे। पर एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कॉमनली हर जगह पर, वो ये है कि वहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी अलग होते हैं और जो वनस्पति है यानी वेजिटेशन, वो भी अलग मिलती है। तो क्या इसका रिश्ता है हमारे आज के इस टॉपिक से? जी हाँ, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सवाल से शुरुआत की है। हमारे बच्चों के लिए ये 6 क्लास के अंदर नवा चैप्टर जो है उसमें ये फंडामेंटल इसी लेवल पर क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हैबिटेट्स क्या होती हैं, एडेप्टेशंस क्या होती हैं, क्योंकि फिर हायर क्लासेस के अंदर इन चीजों की समझ यदि रह जाती है तो फिर वो कंफ्यूजन्स होते हैं। तो चलो, समय ज्यादा जाया नहीं करते हुए, आपने बताया आपने बहुत जगह घूमे, आप राजस्थान में घूमे, आप गोवा गए, आप पहाड़ों पर गए, हिमाचल में गए, तो मैं भी अब गाड़ी की शुरुआत करता हूँ। बच्चों आप इस ट्रेन में बैठ जाइए, सिमरन जी हमारे साथ में, पूरा स्टूडियो हमारे साथ में है, और ट्रेन चलती है, हमें पूरा विभिन्न जगह दिखाएंगे, सभी जीव जंतुओं को दिखाएंगे। तो चुक 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 ट्रेन चालू हुई और हम आकर उतर गए एक स्टेशन पर। अरे बाप रे, ये तो हम जंगल में आ गए, जंगल में आ गए, जंगल में बहुत सारी आवाजें आ रही है, थोड़ा अंधेरा भी है और सिहार की आवाज आ रही है। इसी तरह से जब भी हम जाते हैं तो फॉरेस्ट के अंदर हमको भी तो विभिन्न प्रकार की आवाज से हमारा वाकिया होता है, और फिर उसके बाद में हमको कई जीव जंतु देखने को भी मिलते हैं। तो वो जीव जंतु कौन कौन से होते हैं, वो उस जगह पर ही क्यों रहते हैं, ये हमने कई बार कोशिश की, ये स्वयं मैंने स्टडी किया कि जैसे ही हम अब ये जंगल में आए, जंगल में उतरने के बाद में मैंने देखा कि पानी के अंदर बहुत सारे मेंढक कटरा रहे हैं, दिल्ली में भी बरसात हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में बरसात हो रही है, और हम ये देख रहे हैं कि एक टर्राहट चलती जा रही है, लेकिन यहाँ पानी का वातावरण है। अभी मैंने आपको दिखाया था टेरेस्ट्रियल मानी भूमि वाला वातावरण था, अब देखें कि एक ऐसी जगह आ गई जहां पर सिर्फ घास उगी हुई है। हम जंगल में घूम रहे हैं, आप बिल्कुल आराम से देख बैठे रहे अपने ट्रेन के अंदर अच्छी तरह अपने दोस्तों के साथ में, और देखें यहाँ पर इस एरिया के अंदर बहुत सारी उपकार आ रही है। अरे बाप रे, अब हमें संभल के चलना चाहिए, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं कोबरा स्नेक जो है वो पास में ही है, वो इस तरह के हैबिटेट, इस तरह की सराउंडिंग्स में ही पाए जाते हैं। अब हम धीरे धीरे चलते हुए, हमारी ट्रेन चुक 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 चलती हुई आ गई कटरा। कटरा के अंदर वैष्णो देवी माता जी के आसपास के सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे पेड़ दिखाई दे रहे, एक पेड़ पर मैंने देखा, आप भी देखें, आप ऑब्जर्व करें, छोटी छोटी चिड़िया जो फुर्र फुर्र उड़ के जा रही है, और ये चिड़िया है रेड वेंट बुलबुल, इसी तरह अरे यार बहुत अच्छी आवाज आई, रेड वेंट बुलबुल चलती दिखाई दे रही है।
और ये रेड बन बुलबुल दिखाई दी, हमको सब कुछ नोट करना है, ये कौन कौन से, हम पूरे चक्कर लगाते जा रहे हैं। ये एकदम से झरना आया, ये झरना बह रहा है माउंट आबू के पास में, हमारी गाड़ी चलती जा रही है बहुत तेज स्पीड से, सुपरसोनिक स्पीड से चलती जा रही है। आप देखें एक अलग तरह का एक सराउंडिंग आई, अलग तरह का आवास आया, हैबिटेट को हिंदी में आवास बोलते हैं, और यहाँ भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु नजर आते हैं। देखिए आप, ये जैसे झरने का पानी बहता हुआ नजर आया, यहाँ पर आपको एक ग्रासलैंड नजर आया, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नजर आए, और यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने जंगल में जैसे उसे आपको मेंढक दिखाई दिया, उल्लू दिखाई दिया, टाइगर की आवाज आई, स्पाइडर दिखाई दिया, इतने सारे कुछ प्लांट्स दिखाई दिए, इनको ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब यहां से शुरुआत करते हैं आपके फंडामेंटल्स की, हम ट्रेन में चल रहे हैं लेकिन रुक कर डिस्कशन भी तो करते हैं ना। तो ये जीव जंतु हमको दिखाई दिए और इनको व्हाई वी कॉल देम ऑर्गेनिज्म, इनको ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, आपके चैप्टर 9th में इनको ऑर्गेनिज्म के नाम से क्यों बुक करा गया, दिखाया गया है, इनको ऑर्गेनिज्म इसलिए बोलते हैं, इसलिए देखिए इन सभी की जो यूनिट स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो एक सेल होती है, कोशिका होती है। इसकी जानकारी आपको अब तक मिली हुई है कि चाहे मेंढक है, चाहे मछली है, चाहे बंदर है, चाहे टर्टल है, कोई भी है, इनके अंदर कोशिका होती है। That's why we call them organism. Bacteria, plant, animals, they are collectively called organism. तो मैं समझता हूँ कि छोटी सी यात्रा में हमारे इस रुकाव में जब डिस्कस किया सिमरन जी के साथ में, तो हमें पता लग गया कि हम इनको ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर बेसिक यूनिट, देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेसिक यूनिट इज सेल। अब आगे चलते हैं, दिस सराउंडिंग। अब जैसे प्रश्न हमारे सामने अभी सिमरन जी ने रखा था कि बहुत सारी जगह हम देखने के लिए जाते हैं, अभी हम चलेंगे भी उन जगह पर, अलग अलग तरह के आवास हैं, हैबिटेट्स हैं, सराउंडिंग्स हैं, और ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग तरीके के हैं, ऐसा क्यों है, इसको भी अपन क्लियर करेंगे, ऐसा क्यों है। जी सर, इससे पहले सर हमें जी सर इस चर्चा में आगे बढ़े, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। आपने अभी यहाँ एक टर्म यूज किया हैबिटेट, और हमने बहुत बार सुना है डिफरेंट हैबिटेट्स एंड ऑर्गेनिजम्स लिव इन द डिफरेंट हैबिटेट्स, तो ये हैबिटेट से हम क्या समझ सकते हैं? जी सिमरन जी, ये ऑर्गेनाइजेशन जो अभी अपन ने देखा बॉडी का, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट तो ये है, लेकिन इनमें विविधताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, इनमें वेरिएशंस हैं। ये वेरिएशंस जो डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स एक्वायर करते हैं, अडेप्टेशंस में भी जाऊंगा, जो विभिन्न जीव जंतुओं के शारीरिक रचना है, उनके खाना पीना, उनकी बॉडी का, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पर सूट नहीं करती हैं। लेकिन मछली जैसे है, ये मछली जो है ये जल में रह सकती है, इसको यदि जमीन पर ले आते हैं, जमीन इज ए टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, पानी एक्वेटिक हैबिटेट है, तो हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जीव जंतु हैं कोशिका के बने हुए, लेकिन ये विभिन्न आवासों, विभिन्न सराउंडिंग्स के आधार पर अपने आप को ये ढल गए हैं, और जहां पर वो रहते हैं उनको हम हैबिटेट बोलते हैं। ये देखिए हैबिटेट, हम जब अभी रेगिस्तान में चलते हैं, बहुत थोड़ी देर बाद में यात्रा करेंगे, वहां हमको एक ऊंट दिखाई देगा, यहाँ एकदम ड्राई एरिया है, लेकिन जैसे हम पहाड़ों पर जहाँ बर्फ पड़ी हुई है, जहाँ ये तो पोलर रीजन्स हैं हमारे, पोलर बेयर है, ये हॉर्नबिल है जो जंगलों में पाई जाती है, ये टर्टल है जो पानी समुद्र के अंदर पाया जाता है, लायन है ये अफ्रीका के अंदर पाया जाता है लेकिन हमारे यहाँ पर जूस में दिखाई देता है, ये माउंटेन्स पर हॉक्स नजर आते हैं, बर्ड्स नजर आती हैं। आपने देखा कि यहाँ समुद्र है, यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर जो मैं ये एरो दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, बर्फ है, ये जंगल है, ये समुद्र है, ये टेरिस्ट्रियल जंगल है, तो इस तरह के विभिन्न प्रकार की हैबिटेट्स हैं। हैबिटेट्स द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट, आप समुद्र को यदि डेजर्ट से तुलना करें बहुत अलग है, दीज टू रीजंस आर वेरी डिफरेंट एंड द एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड देयर आर आल्सो डिफरेंट। आपको डेजर्ट के अंदर कैमल मिलेगा तो समुद्र में फिश मिलेगी, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स इस तरह से बनी होती है कि डेजर्ट के अंदर कैमल सरवाइव क्यों करता है, इसकी पांव की बनावट आप देखिएगा, आप इसके अंदर पानी स्टोरेज की कैपेसिटी देखिएगा, ये एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो उसमें पानी का वेस्ट सबसे कम करते हैं, पसीना कम आता है, इस तरह से कैमल कैन सरवाइव बेटर इन वेरी लेस वाटर। ये इसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर किए जिनको हम कलेक्टिवली अडेप्टेशन बोलते हैं,
हिंदी में अनुकूलता बोलते हैं। अभी देखो ये कैमल है, ये आपकी किताब का चित्र है 9.2। कैमल जो है इस तरह से अडप्टेड है कि जो खेजड़ी बबूल की जो पत्तियां हैं कांटे लगे हुए हैं, गर्दन को ऊंची करके खा रहा है। पानी नहीं है क्योंकि पानी स्टोर किया हुआ है, पर तुम मछली इसको पानी से बाहर निकाल दो तो नहीं रह पाएंगी। इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी है, पानी में तैरने के लिए काम आती है। तो ये अडेप्टेशन है, ये हैबिटेट तो क्या होगी जो उनकी सराउंडिंग्स हुई। देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या है, क्योंकि हम एक सेल के बने हुए हैं, फिर हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग है वो हमारी हैबिटेट है, और उन हैबिटेट के अनुसार हम ढल जाते हैं ना। जैसे डेजर्ट के अनुसार हम ढल गए, पानी के अनुसार हम ढल गए, इनको बोलते हैं एडेप्टेशंस या अनुकूलताएं। आप इसको जीवन में कभी नहीं भूला, क्योंकि आगे की कक्षाओं के अंदर ये बहुत बढ़िया काम आएंगे। और मैं आपको दिखाता हूं कि आपके जैसा एक छोटा सा बच्चा, उसने कहा कि नहीं सर मैं तो जाऊंगा, मैं फॉरेस्ट में जाऊंगा। उसने पन्ना फॉरेस्ट के अंदर गया और उसने बहुत बढ़िया ये अनुभव किया, और उस अनुभव को अभी शेयर किया जो मैं आपके साथ में बता रहा हूँ। बहुत सारी बटरफ्लाईज हैं, अरे तरह तरह के जानवर दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर देखिए, ये अमन बोल रहा है कि अपना फॉरेस्ट कितना रिच है। ये आपका जितना ही एक छोटा सा बच्चा है, उसने जंगल में गया। हम तो अभी चुक 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 चलते हुए बहुत सारी जगह जा रहे हैं, हमने सिर्फ एक नोटबुक ले रखे, पेन हाथ में ले रखा है, आप ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। परंतु कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में बायनोकुलर भी होंगे, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास में कैमरा भी होगा। तो हमको ये देखना है कि विभिन्न जगह हम जाते हैं, ये नहीं पेरेंट्स के साथ दोस्तों के साथ में घूमने के छुट्टियों पर निकल चले और खाली लौट कर आ गए कि आपको हमने कुछ नहीं देखा, हमको कोई ज्यादा मजा नहीं आया। अब मैं आपको ले चलता हूँ पहाड़ों पर। बहुत बढ़िया, ये भारत के अंदर पाए जाने वाले पहाड़ है। आप चाहे कुल्लू जाए, मनाली जाए, आप और डीपर हिमाचल में चले जाए, क्या खूबसूरत हैबिटेट है ये। ये माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स के अंदर पाए जाने वाले टीक्स हैं, चिनाय, ये पौधे, यहाँ पर पाए जाने वाली बकरियां, यहाँ पर पाए जाने वाला याक, ये सब बिल्कुल डिफरेंट है। और ये स्पेशल तरह का जो एक हैबिटेट है जिसमें आपको स्नो नजर आएगी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने एक हैबिटेट में, अब मैं लिए चलता हूं आपको एक दूसरा बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है। ये अपोजिट सिचुएशन है, ये है राजस्थान में ले जा रहा हूं मैं आपको। राजस्थान के अंदर डेजर्ट, चारों तरफ एकदम से डेजर्ट इज डेजर्ट। लोग बाग जो है पानी को देखते रहते हैं कि बहुत कम, रेयरली कहीं पानी दिखाई दे जाता है, उसको स्टोर करते हैं। और एक टूरिस्ट हमको नजर आ गया, हम गाड़ी में चल रहे हैं, एक टूरिस्ट जो है वो कह रहा है कि मैं जो है कैमल देखना चाहता हूँ, उनको कैमल का पता ही नहीं है। तो ही इज गोइंग क्लोज टू दी कैमल्स, और कैमल देखने के बाद इनको पता लगता है कि ओह इसको कैमल मिल गया, हमें भी कैमल देखने को मिल गया। देखिए हम गाड़ी में चल रहे हैं और गाड़ी में चलने के बाद में बीच बीच में उतर कर देख रहे हैं, ये कैमल है। जिन्होंने कैमल को नहीं देखा है, जिन्होंने ऊंट को नहीं देखा है, उनको देखने का मौका मिल रहा है। और न केवल केवल आप उनको देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और वाह बहुत सारे ऊंट बैठे हुए यहाँ पर, न केवल आप उनको देख रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये कितने डेजर्ट की खूबसूरती दिखाई दे रही है यहाँ पर। यहाँ पर चारों तरफ प्लांट्स भी जो है वो ऐसे है जिनमें की वाटर को लॉस करने की बहुत कम क्षमता होती है। बहुत सारे ऊंट बैठे हुए हैं, ये एक बार पानी पी लेते हैं, लंबे समय तक स्टोर कर लेते हैं। तो एक दूसरी स्थिति में अब आपको लेकर चलता हूं, ये आगे समुद्र, आप गोवा पहुंच गए। सिमरन जी ने जैसे ही जिक्र किया गोवा, अरे बाप रे गोवा आ गए। गोवा में प्लांट्स हैं, इनके अंदर एरियल रूट्स हैं, इनकी जड़ें जो बाहर निकली रहती है श्वसन करती है। और यहाँ हम केकड़ा देख रहे हैं, अरे यहाँ पर एक क्रैब मिल गया, केकड़ा मिल गया, केकड़ा मिल गया, केकड़े को देखने की कोशिश कर रहे हैं। केकड़ा पानी में भी पाया जाता है, देखिए ये यहाँ पर मछली भी मिलेगी, चारों तरफ लहरें समुद्र की आएंगी। ये केकड़े को देखने के बाद हमने छोड़ दिया। इस तरह से हमने देखिए बहुत सारी हैबिटेट्स को अभी चलते चलते देख लिया।
लेकिन पहले से पूछा कोई एक जगह बताओ, क्या घर में ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर कुछ भी ना मिले, देखने को ना मिले? सर यही सवाल तो मैं आपसे करना चाहती थी कि हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे जीव तो लगभग देखने को मिल जाते हैं, कभी कोई पशु या पक्षी, पर क्या कोई ऐसी सच में जगह है जहाँ पर बहुत ढूंढने पर भी हमें कोई जीव या फिर कोई पशु पक्षी ना मिला हो? सिमरन जी, कुछ बहुत एक्सट्रीम आर्कटिक वगैरह क्षेत्रों को छोड़कर वहां भी बैक्टीरिया तो मिलते हैं, परंतु यदि हम कई बार सोचते हैं ना, घर तो ऐसा हमारा सुरक्षित है, चारों तरफ से कवर्ड है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अलमारी खोल कर देगी स्पाइडर मिली, मकड़ी मिली, नीचे जमीन में देखे ही कई चीनी पड़ी हुई थी, चींटियां मिली। तो हमने कोशिश बहुत की कि ऐसी जगह मिल जाए कि जहां पर कि कोई भी जीव जंतु नहीं मिले, लेकिन ऐसा हमको मिला नहीं। और ये बहुत खूबसूरत है, एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमारे आसपास में सराउंडिंग में चींटियों ने नीचे बिल बना रखे है, जो कर रहे हैं, दे हैव गॉट ए ब्यूटीफुल कॉलोनीज। ये खूबसूरत एनिमेशन है बच्चों को ये आकर्षित करने के लिए कि ये भी जीव है, इनकी भी एक हैबिटेट है, ये नीचे बरोइंग हैबिटेट, इनको बिल में रहने की जरूरत होती है, और ये पूरा अपनी कॉलोनीज होती है, कॉलोनीज के अंदर खाना ले जाना, वहां पर अंडे देना, ये सारी जानकारियां हमको मिल सकती है। हम कॉकरोच तो देखते हैं, अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, मैंने आपको पूरा हिंदुस्तान घुमा दिया, चारों हैबिटेट दिखा दिए, अब आपका काम बनता है ये जो मैं इसको करके दिखा रहा हूं कि फॉरेस्ट है, इन द फॉरेस्ट व्हाट डू फाइंड इन द फॉरेस्ट, आपको फॉरेस्ट के अंदर क्या मिलेगा? फॉरेस्ट के अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आप, जैसे आपको टाइगर मिला, अरे बाप रे टाइगर, आपने टी लिख दिया टाइगर, मैं बहुत धीरे से लिख रहा हूं इसको टाइगर, आपने केकड़ा मिला है ना, माउंटेन पर क्या मिला, माउंटेन पर क्या मिला, अपन को यॉर्क मिला, हमें माउंटेन गोट्स मिली, डेजर्ट में क्या मिला हमको, डेजर्ट में हमें कैमल मिल गया, वेरी गुड, सारे बच्चों को बहुत आनंद आ रहा है कि इन्होंने सारी चीज, और समुद्र के अंदर हमको फिशेस क्रैब्स मिले, फिश मिले। अब इनके अंदर हमको देखना है क्या क्या अडेप्टेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसकी वजह से ये यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए टाइगर है, बहुत तेजी से दौड़ेगा, टाइगर जाएगा हंटिंग करेगा फॉरेस्ट के अंदर, उसको सारी चीजें वो उसके अनुकूल है वो मिल जाती हैं, वो जीव जिन पर की शिकार करता है। माउंटेन पर जाते हैं, आप बकरियों को देखें तो उनके जो पैर होते हैं, उनके पैरों के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, हुक्स होते हैं, उनकी ऐसी बनावट होती है, वो बिल्कुल ऐसे जाती है ऊपर पहाड़ों पर चढ़ती हुई, हमें पता भी नहीं चल पाता, आपने वीडियोज में देखे उनके। आपने अभी ऊंट को देखा, ऊंट के अंदर आपने क्या देखा, उसके पैर जो एकदम से पूरे फैले हुए हैं नीचे, डेजर्ट के अंदर घुसते नहीं, धंसते नहीं अंदर, और समुद्र के अंदर जैसे क्रैब को छोड़ा वो तुरंत अंदर नीचे चले गया। मछली को आपने देखा, आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी, आपने शार्क्स देखी हैं, इन सारी चीजों के अंदर हमको एक टेबलेट करना है। मैंने भी अपनी डायरी लेकर बैठ गया, मैंने सब लिख लिया जहां जहां पर मैंने यात्रा की, जहां जहां अभी जर्नी की। इसीलिए आप भी जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ में टूर पर जाएं, एक इस तरह की टेबल बनाएं और उन टेबल में पाए जाने वाले जीवों का नाम लिखे, जहां जहां गए वो कैसी हैबिटेट थी, वो फॉरेस्ट था, वो टेरेस्ट्रियल थी, माउंटेन थे, डेजर्ट था, सी था जी। और उन जीवों की कैरेक्टरिस्टिक लिखे। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और हायर क्लासेस के अंदर आप बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आई एम वेरी श्योर कि इस डॉक्यूमेंट्री के बाद, इस वीडियो के बाद में, इस डेमोंस्ट्रेशन के बाद में आप पूरी तरह से आश्वस्त हो गए होंगे कि हमारी हैबिटेट्स कितनी प्रकार की होती हैं और उन हैबिटेट्स के अंदर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं और उनमें क्या क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी वजह से वो वहां पर जिंदा रहते हैं। हैबिटेट ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशंस, ये तीनों चीजें मेरे को पूरा विश्वास है आपको अच्छी तरह आ गई होंगी इस डिस्कशन के बाद में। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं या अभी मान लो कोई भी चीज ऐसी उभर के आती है, आप पूछ सकते हैं हॉर्नबिल के अंदर इतनी लंबी चोंच क्यों होती है? डार्विन ने तो चोंच की रचना को देखते गैलापागोस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिख डाली, और अमन विश्वास ने पन्ना रिजर्व में जाकर इतनी स्टडी कर डाली, छठी से नवीं क्लास के बीच का बच्चा एक जो आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल ज्योग्राफी उसको बुलाने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स,
विद्यार्थियों न केवल हम इस चैप्टर को नाइन चैप्टर को पढ़ें लेकिन इसका मनन करें, इसके अपने अंदर ढालें और इन जीव जंतुओं को बचाने का भी कोशिश करें, क्योंकि ये हैबिटेट्स पर भी बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, लोग बाग इनके हैबिटेट्स को खत्म करते जा रहे हैं और जीव जंतुओं के लिए बड़ी समस्याएं हो रही है। तो हम सब्जेक्ट को भी समझें और इन जीव जंतुओं और इनके हैबिटेट्स को, इनके आवासों को भी बचाने का प्रयास करें। जी सर बिल्कुल, मुझे लगता है कि इतने मज़ेदार ढंग से आपने ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैबिटेट अडेप्टेशंस की जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उनके कोई डाउट नहीं रहे होंगे। पर सर मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, जब हम इस तरह के एक टॉपिक को अपने क्लास में पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम जीव जंतुओं की बात करते हैं, तो एक क्लासरूम सिनारियो में तो हम इसे प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते, वीडियोज़ दिखा सकते हैं, ऑडियोज़ दिखा सकते हैं, पर क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव स्कूल्स ले सकते हैं जैसे बाहर जाकर बच्चों को दिखाना, टूर्स या ट्रिप्स पर जाया जा सकता है, आपकी तरफ से कोई हिदायत इसमें? मेरा सुझाव यह है कि हम क्लासरूम टीचिंग के अंदर, मैंने भी क्लास में 45 साल तक पढ़ाता रहा, क्लासरूम टीचिंग में स्टोरी की तरह पढ़ाया जाना चाहिए, जहां वीडियोस, क्योंकि आजकल प्रोजेक्शन सब जगह होते हैं, जहां जहां वीडियोस की जरूरत हो उनको क्लास के अंदर ये सारी चीजें इसी तरह से बताएं जैसे कि मैं बता रहा हूँ। ये भी एक अपना क्लासरूम है, आप भी बैठे हुए स्टूडियो अपना क्लासरूम है, और फिर इस जानकारी के बाद में जब भी हम टूर पर जाएं या स्टूडेंट टूर जाते हैं, टीचर्स लेकर जाते हैं, उसको मौज मस्ती नहीं लेनी चाहिए, उसको लेना चाहिए। मैं ऐसे कई एजुकेशनल टूर्स पर गया हूँ, डायरी हमारे साथ में होती है, हम डिस्कशन करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ भारत और विदेशी स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए आई वॉज फैकल्टी इन 8 स्कूल्स ऑफ स्टडीज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया। वहां हम जाते थे, कोई भी चीज नजर आते ही कहते थे, अरे देखिए सर ये ड्रैगो उड़ने वाली शिपकली, हमने जैसे देखा वो कोयम्बटूर के जंगलों में ऊपर चले गई। तो सब्जेक्ट को रोचक तो बनाया जा सकता है, जिस तरह से अपन ने इनके वीडियोस की बात की, इतना सा छोटी सी बात बताएं कि भाई इसका पैर क्यों नहीं धस रहा है, बच्चों अपन अनुमान लगाते हैं, कैमल तो देख लिया और उसको फिर स्टडी करने पर लग जाए। आप देखें एक चिड़िया एकदम से उड़ती हुई आई और एक छोटे से किसी जीव को लेकर चले गई, टाइगर जो दहाड़ रहा है उसने कम्युनिकेट कर रहा है, ये नहीं कि सिर्फ हंस रहे हैं हम ताली बजा रहे हैं, इसको गौर से देखना चाहिए। तो मेरा सुझाव है कि हम क्लासरूम के अंदर भी ये कर सकते हैं और करना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो अल्टीमेटली ज़्यादा सक्सेसफुल है थियोरेटिकल नॉलेज से। जैसे आपने वीडियोस और ऑडियोज़ के थ्रू सबसे पहले आपने कुछ साउंड सुनाई थी हमें, तो बच्चे वो साउंड्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से जीव की है। सर केवल 2 मिनट का समय शेष है, पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे अभी पूछना चाहूँगी। हमने रेगिस्तान का जिक्र किया था यहाँ पर और कैमल्स दिखाए थे आपने, तो रेगिस्तान में तो सर पानी नहीं होता, तो ऐसे में बच्चों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि कैमल्स कैसे सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी तो चाहिए होता है। मैं रिसर्च की मैंने फ्रॉग्स पर, और वो भी डेजर्ट एरिया में, सब लोग मुझसे पूछते थे डेजर्ट में पानी है नहीं तो फ्रॉग्स कैसे मिलेंगे। पानी होता है, लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड जगहों पर होता है, और ये जीव जंतु उसको जानते हैं, जैसे पोखर बना लेते हैं। और राजस्थान के कुछ डेजर्ट एरिया में तो मनुष्यों ने, मतलब वहाँ की जो लोकल सोसाइटी ने क्या कर रखा है, कुछ तरह के टांके बना रखे हैं जहाँ पर कि पानी इकट्ठा हो जाता है और कैमल जाकर और उस पानी को पी लेता है, और वो काफी समय तक उस पानी को स्टोर किए रखता है, और इनके कंजर्वेशन की बहुत क्षमता है, पसीना नहीं आता है। सभी जीव जंतु जो डेजर्ट में रहने वाले इस तरह से ढल गए हैं, तो ऐसा नहीं है डेजर्ट में बिल्कुल ही जीरो वाटर है, कुछ लिमिटेड होता है, पानी कम होता है, लेकिन ये थार डेजर्ट का जैसा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, लंबी दूरी तक बहुत जगह तक पानी पानी नहीं है। तो ये एनिमल्स जानते हैं कि हमें कितनी दूर चल के जाना है जहाँ हमको पानी मिल जाएगा। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप इस चर्चा में जुड़े और इतने बेहतरीन ढंग से आपने ये पूरा कंटेंट जो है ऑर्गेनिज्म्स अडेप्टेशंस और हैबिटेट के अंतर्गत हमारे सभी दर्शकों को समझाया। सर आपका धन्यवाद। और जो आज सिमरंती एक सेकंड जी बिल्कुल बिल्कुल सेकंड, देखिए आपका टॉपिक कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन से सही तरह से चले जाए। जरूरी नहीं कि वो बच्चे साइंस पढ़े हुए हो या साइंस की ज्यादा नॉलेज हो, या जो सुनने वाला है वो सभी साइंस वाले हो, आर्ट्स के भी हो, कॉमर्स के भी हो, हम उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट डालें जिससे कि वो न केवल अपने सब्जेक्ट को अच्छा रिच बना सकते हैं बल्कि आगे जाकर उनके कंजर्वेशन में भी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिदायत आपने दी हमारा जो यूथ है जो इस कार्यक्रम को देख रहा है। तो आज का जो हमारा पूरा कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ था। हम सब जानते हैं कि प्रकृति जो है खूबसूरत तोहफा है, ईश्वर की तरफ से हमें ये देन है। तो कल यानी 28 जुलाई 2022 को हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस
आप जानते हैं ये दिवस है और इसी उपलक्ष्य में कल 3 से 4 लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए खास कार्यक्रम। ये समय आप याद रखिए, 3 से 4 बजे तक इस उपलक्ष्य में ही खास कार्यक्रम है और संगीत के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का ये एक प्रयास है। और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस लाइव इंटरैक्शन में। और आपके कोई भी सवाल होते हैं तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारे मेल आईडीज तो आपके पास हैं ही। सर एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी आपका इस सत्र में बनने के लिए, साथ ही हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी दर्शकों का जो इस पूरे कार्यक्रम में लगातार हमें देखते रहते हैं। और आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि कुछ ही समय में वापस लौटेंगे हम एक और सेशन के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।